हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नवजुग भरी छोटी सी दुनिया में। आज मेरा मूड इतना अच्छा देख, सुबह उठते साथ निदा को मैंने परेशान करना चालू कर दिया। मैंने कहा थोड़ा परेशान किया, वो रोने लग गई गाइस। मतलब सोचो इतना मूड अच्छा है मेरा आज। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज अगर मेरे को परेशान करने का मूड है तो मैं किसी ना किसी को परेशान तो करूं ही, बट किसको करूं मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था। तो निदा को मैंने थोड़ा किया, बड़े गुस्सा हो गए। तो मैं सोचा अब जाके मैं परेशान करूंगा मिसबा को, जो कि उसको बहुत ज्यादा समझ में आता है, वो मेरे साथ बहुत फ्री होती है। तो अब मैं उसको दिखाऊंगा फ्री होना किसे कहते हैं। जब उसकी नाक में दम करूंगा ना मैं, तब उसको पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा कमीना इंसान हूँ। तो निदा चलो, तुम चल रहे हो साथ में? मैं भी चलूं। तुम चलो, तुम मैं को कुछ नहीं बोलना। मैं तुमको क्यों कुछ बोलूंगा? कुछ नहीं बोलना वरना जवाब आएगा फिर। तुमको क्यों कुछ बोलूंगा? मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा, तुमको जो करना है तुम वो करो। गाइस हम लोग आ चुके हैं मिसबा के घर पे। घंटी टूट जाएगी, जल जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या कर रहे हो? पीपल आर ऑब्सेस्ड। तो क्या अच्छे लग रहे हैं यार मिसबा? अच्छा लग रहा है ना? अरे नहीं जलता है, नहीं जलता है। सड़ावा लेके आई है इसने तो यार। क्या खाना वाना कब खिला रहे हो? देखे तुम फेंको उसका क्या? तुम फेंको, चलेगा हम फेंको मदद पे। तो मैं फेंक दूँ तुम्हारे घर पे? हाँ तो आती तो सीधा मेरे को उठा दीजिए गद्दे से, मैं कुछ बोलता हूँ क्या? नहीं सही बात है, सही बात है। पागल हो रहा है। मैंने नया थ्रो लाई। ओ अच्छा थ्रो, ये थ्रो। अरे थ्रो ठंडी लगे इंसान ओढ़ के बैठ पाए। ये तुम्हारी ट्विनिंग की है दोनों ने? ब्लू ब्लू थ्रो भी फेंक। हेलो सुफियान, खराब है क्या? सुफियान अभी चालू नहीं हो रही। अरे क्या बटन तो देख। अरे अरे सवाल आज तुमको पता चलेगा। मत करो। क्या बना खाने का? बना लाइट को चालू करो, लाइट का बटन किधर है? चालू। अरे सुफियान मत करो यार, लाइट उड़ जाएगी। अरे मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ ये आया इलेक्ट्रिशियन बड़ा चेक करने के लिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको? पति खत्म हो गई थी ना? अरे अपने घर में कंफर्ट खत्म हो गया सूफी। कंफर्ट तो बाथरूम में मिला। बोलो ना नीता, तुम बोलते क्यों हो? मेरा बाथरूम भी सड़ा रहा है क्या? अरे यार टॉयलेट बहुत गंदा है। हेलो हेलो, अबे कंजूस खाली है। तुम खाली रखते सामान? ढक्कन है। अरे बाथरूम धो रहा है गाइस सूफी, मेरा बाथरूम धो रहा है। अरे संभालो अपने अल्लाह। मैं क्या संभालू, तुम बोलो भाई, तुम्हारा भाई है। सूफी क्या कर रहे हो? कुछ तो अच्छा लग रहा है। अबे वो बाथरूम ना, अल्लाह बाथरूम से बाहर नहीं निकलना। ओह भाई मेरा बॉडी वॉश लगाओ। अल्लाह छोटे बच्चे लोग झाग बना देना घर में अगर। हाँ भूख लग रही है इस बार, तुम खाना निकाल रहे हो तो मेरे पीछे पीछे घूम रही आ रही है। वो वैसे भी बिरयानी बनाई है, तुम थोड़ी ना खाते हो। लीची खानी थी ना तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढी मैं। ठीक है, ये लोगन लीची है। अच्छा लेकिन अब खराब हो गई है बहुत दिनों के। वाह देखे देखो, तुमको एक्सपायर मैं बोलता हूँ, इसके भरोसे मत लिया करो। निजा तुम क्रिया करो क्या, दो दिन से क्या कर रहे हो सूफी तुम? खराब है काम का यार। अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन मिसबा। अरे मस्त है। नहीं मस्त नहीं था प्लीज। अच्छा है ना, अभी अपन खाना गर्म कर सकते सूफी। चाय वाय बनाएगी? अरे नहीं करो पूरा तुम्हारे आंख पे गिरेगा। अपना नुकसान मत कराओ। चलो इतना तुमको काम करना है, मेरे कपड़े सुखा दो। चलो हूँ कर रहा है ब्रो। अंदर बढ़ गया, पास दी क्या? बासम बास हो गया पूरा। भी बास नहीं आ रही है, इतना बेकार लड़का है। तो गाइज अब ऐसा लगता है कि सुफियान थक गया है, तो तुम थक के बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। प्रोजेक्टर मिल गया। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे खाना खाने। चलो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं। अरे वो झाड़ के
मिसबा घर से निकल के हमारे घर गए, हमारे घर पे खाना वगैरह खाए और फिर मिसबा को पूछे कि मिसबा कहाँ है, तो मिसबा बोली मैं जिम में हूँ। मैं बोला चलो चलते हैं जिम में, आज उसको जिम में भी परेशान करेंगे हम लोग। गाइस पता नहीं मैं वहां जाके क्या करूंगा, इतने सारे लोग रहेंगे और इतने सारे लोग के बीच में मैं उसको परेशान कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं पता है, बट मैं ट्राई पूरी तरह करूंगा क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं आज सबकी उंगली करूँ, तो क्यों ना कहीं जिम में भी जाके उसकी उंगली करें। चलो चलते हैं जिम में और देखते हैं आज क्या होता है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं जिम में और गाइस जिम में एक कॉम्पिटिशन होने वाला है अवार्ड, जिसमें मिसबा को अवार्ड दिया जा रहा है फालतू के लिए टाइम पास करने का। नंबर नहीं मिसबा इतना टाइम पास कोई करता है? देखो ये जूते, ये कोई तरीका, ये कोई तरीका है, ये कोई तरीका है, ये सब ये कोई तरीका है क्या, ये कोई तरीका है क्या मिसबा? हाँ जिम में जूते उतारे को रखता है क्या ऐसा? हटो हटो हाँ सर, ये कोई तरीका है? हाँ ये कोई तरीका है क्या? अबे माँ कसम फट जाएगा। हाँ जूते किधर इधर? अच्छा नहीं नहीं अच्छा सेटल सेटल अच्छा सेटल सेटल हाँ तुम कचरे में हाथ डालो। मैं सॉरी सुनना चाहती हूँ। उठा क्या 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 ताकत नहीं हाँ हाँ मास्क छूट गया क्या? जूता जाएगा सीधा नीचे, फेंकू फेंकू फेंकू, जाओ ले लो जाओ, ऐसे में नीचे चले आ जाएगा, मजा आती थी ना। क्या मजा आई है जिम में। मिसबा की जो हालत खराब किया, वो जिम में ना एक बेंच पे बैठी थी, वो बेंच पे उसका पैर खींचा, बेंच के नीचे खींच लिया उसको, उसके जूते उठा उठा के फेंक दिया। और है ना उसको हम लोग है ना मैट खींचने वाले, मैट खींची नहीं जा रही थी, तो हैवी है ना थोड़ी वो, तो मैट खींची नहीं जा रही थी, तो मैट फटने के चांसेस थे। इरफान सर थे, इरफान सर भी जूते को लात मार रहे हैं। अभी नीचे जाएंगे थोड़ा खाना वाला, फिर उसकी लेते हैं फिल्म दी, थोड़ा हम ताड़ी करते नीचे नीचे जाएंगे, मजा आएगी तो बहुत मजा आएगी दीदा, बहुत बोलती ना मेरा दोस्त है, मैं झेल सकती हूँ मेरे को जो भी है, मजा आएगी। चलो तो गाइस अभी आ गया है मेरे हाथ में कैमरा फिर से, और अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं मिसबा के घर पे, बट खाना वाना लेके लिए अपना लेके जा रहे थे, जब इतना परेशान कर रहे तो थोड़ा बहुत खाना वाना भी पूछ लेना चाहिए गरीबों को। करेक्ट, और खाना भी इसलिए लेके जा रहे क्योंकि ये बिरयानी नहीं खाते, मिसबा ने बिरयानी बनाई है तो अपना खुद का कोटा मैंने इनके लिए दाल चावल। आपको मुझे दावत देनी है तो प्लीज बिरयानी मत रखना दावत में, मैं दावत में बिरयानी नहीं खाता। दावत खुद दे रहा है भाग रहा। गाइस मैं इतनी जल्दी नहीं भाग सकती जितना जल्दी ये भागता है। क्या पैर का छिलका क्या निकला बताओ? मेरे कौन का पट्टा निकल गया। चलो ला अभी ऑपरेशन, ऑपरेशन करने का टाइम नहीं है मेरे पास, समझ में आया? ये बदला निकालना चाहती है दादा, पूरा एकदम टपना थ्रो थ्रो और जो तुमने औरत का टांग खींचे खींची नहीं मारा था भाई, तुम सच्ची में जिम नहीं करते मतलब? देखे मैं भेजी थी, तो गाइज मैंने अभी अभी जस्ट बिरयानी खाई, बहुत ही अच्छी बनी थी मिसबा, थैंक यू सो मच। और बिरयानी खाते साथ ही मुझे निकल भी गई, बट अभी क्या करें। और अभी मिसबा ने हम लोग को प्रोजेक्टर दिखाई, बाप रे बहुत आंख पे लाइट मार रही है। गाइज मेरा न्यू प्रोजेक्टर ये, और वहाँ पे क्या ढूंढ रहा है? हम लोग को जब अंदर आने गए थे हम लोग प्रोजेक्टर ही ऑन करते, लाइट वाइट चालू नहीं करते, पैसा बचा। हाँ वाह अच्छा यार, अरे माँ कसम, अरे प्रोजेक्टर है, अरे क्या कर रहे हो? कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। आग पे नहीं मारो, फिर मैं बाहर मारता हूँ, रोड पे रुको जरा देखता हूँ कहाँ तक जाता है। अरे खराबी कर देगा ये तो, अरे बिल्डिंग तक जा रहा है, क्या बात कर रहे हो? मिसबा को चालू करो। तो गाइस ये कुछ भी करता है, बिल्डिंग बिल्डिंग में झाकम झाकी करता है ये लड़का। मिसबा क्या क्या स्टेबल हो गया देखो, अरे क्या कर दिया मम्मा, खराब कर दिया। ओहो अत्तर, ये अत्तर नहीं है वो, वाओ टूट गया, टूट गया मम्मा, टूट गया, बच गया, रख दो मम्मा, मत करो मत करो मत करो मत करो, अरे अरे वो स्ट्रांग मत करो, सूफी सूफी सूफी,
लाओ भाई लाओ पैसे गए सिक्कों से बनाएगा अंदर का तोड़ दिया जाओ ना लेकर अभी बस हो गया बहुत तुम याद कर रहे थे ना मिसबा हर बार जब भी हम लोग बॉम्बे जाते तो फोन करके याद करती है मम्मा मैं मार दूंगी इसका बोल रहे हो तो फेंक दो इसको ही दे दो बोले जा लेकर घर पे क्या करी तुमने मैं कुछ की नहीं हूँ मेरे कुछ पीछे पड़ी है वाला बिना बिना करे जूते ही नहीं ना मेरा पैर पकड़ ली इतनी भारी है भाग ही नहीं आ रही थी सोचो फिर जाओ जाओ लेकर जाओ बस हो गया मैं अभी तुम बोले थे ना बॉम्बे नहीं जाना तुम लोग जाते तो सुनो सुनो लगता है तो मैं इसके लिए आज पूरा दिन सुफियान को तुम्हारे पास छोड़ी तुम लोग कल जाओ मिस बच्चू पारी मम्मा उसमें कपड़े जाओ अपने घर नहीं नहीं ब्रो इसकी चीजों पे करना मेरे मेरे घर पे और मेरी चीजों पे नहीं करना पूरा लॉन्ड्री बैग मम्मा जाओ अंदर जाओ अरे माँ कैसे अच्छा कपड़ों के साथ चले जाना आज मैं हो गई हूँ पागल ओनली बिकॉज ऑफ दिस गाय ऐसा भी जाएगा मैं ऊपर कुछ कर ऐसा भी जाता हूँ कैसे आज मैं कुछ क्यों नहीं था मुझे नहीं पता तुमको तुम्हारे भाई की याद आती है ना मेरे को पट्टा दो तू तो बोली जिम में उठा पट्टा उठा अरे भाई तुम यहाँ से मस्ती करो पैसा तो मेरा जा रहा है बैग के पट्टा निकाल के अरे ये मेरा है मेरा है मेरा है मिसबा मेरा है ये मेरा है मेरा है मिसबा मजबूत पढ़नी चाहिए सुफियान के मुंह पे ही अल्लाह उस बात तुम्हारे को बहुत थका रहा है तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे मिसबा को परेशान करके और अब बार ये सोने की तो गाइस सोने चलते हैं आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को क्या देखना है आप लोग की क्या उम्मीद है गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हम लोग क्या करें मस्ती करें क्वेश्चन आंसर करें प्रैंक करें या तो फिर नॉर्मल ब्लॉगिंग करें तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस लव यू अल्लाह हाफिज ¶¶